अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इफ़त हियर। अगर आप लोग बाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बाली आप किस तरीके से पाकिस्तान से जा सकते हैं, कितने आपके एक्सपेंसेस आएंगे, क्या कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो आपको बाली में लाजमी करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो आपको बाली में नहीं करनी चाहिए, इन सब को जानने के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहे और आने वाली चंद वीडियोज़ को भी देखते रहे। सो माई डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बाली जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा के बाद आप जो है वो टिकट लेके बाली के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से कनेक्टेड फ़्लाइट होगी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती है। तो सबसे पहले जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से मैंने जो थाई एयरवेज की टिकट बुक की थी, जो कि मुझे थाईलैंड यानी बैंकॉक में छोड़ेगी। ये थाईलैंड का जो प्लेन था वो है, तो फ़्लाइट थोड़ी सी डिले थी और 10 से 15 मिनट की फ़्लाइट डिले होने के बाद जो है वो प्लेन में आराम से बैठ चुके थे और प्लेन जो है वो टेक ऑफ़ कर चुका था। टेक ऑफ़ करने के बाद जो है वो कुछ देर बाद ही फूड आ गया, तो फूड का एक्सपीरियंस जो है वो कोई इतना मज़े का नहीं रहा, बल्कि मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा। बाकी ये मतलब कुछ मसाला राइस थे कुछ इस तरह से और स्पाइसी चिकन के साथ, और सैलड था कुछ इनका, बट मुझे ये पसंद नहीं आया कोई इतना ख़ास। 3.5 घंटे के बाद जो है वो बैंकॉक में लैंड किया और बैंकॉक एयरपोर्ट को जो है वहाँ पर अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट कनेक्टेड जो 3 आवर्स के बाद थी उसको चेक किया पहले, तो कि वहाँ पर किस गेट पे जाना और उसके बाद एयरपोर्ट जो है वो, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह आती जाती हैं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर जो है वो अपने गेट को ढूंढने की कोशिश की जी, जो कि बड़ी आसानी से मिल गया और मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो क्योंकि 3 आवर्स थे तो इतने में आप बस निकल के प्लेन से नेक्स्ट फ़्लाइट को चेक करके बस अपने गेट तक ही पहुँचते हैं जहाँ से आपने दोबारा जो है वो जाना है, तो बस इतना ही टाइम लगता है। तो 2-3 घंटे इसी में सारा जो है ना वो गुजर जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे तकरीबन 3.5 घंटे की ही फ़्लाइट थी आगे, जो वहाँ पर पहुँचे हैं हम जनाब बाली में। बाली पर डायरेक्ट बाली एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, साथ साथ बाली एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। जितनी ये कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है उसके हिसाब से, मैंने और भी काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है, उसके हिसाब से ये एयरपोर्ट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी लुक जो है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आके बस आपको 2-3 चीज़ें करनी है जो कि ऑनलाइन ही आपको करनी है, क्यूआर कोड स्कैन करके, जिसमें आपको एक तो ये बताना है कि आप कब से कब तक यहाँ पर रहेंगे और दूसरा ये कि आपको कोई डिज़ीज़ वगैरह जो है वो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको ऑनलाइन करनी होगी एयरपोर्ट के ऊपर ही, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको करने में हेल्प करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिर आपको इमिग्रेशन में कुछ टाइम लग सकता है, जो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद अपना लगेज वगैरह यहाँ से कलेक्ट किया, अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद जो है वो कुछ मतलब करेंसी चेंज किया। यहाँ पर तकरीबन 15,000 इनके रुपीज़ का $1 था, तो कुछ करेंसी चेंज की है। और करेंसी चेंज करने के बाद जो है वो अगला मरला आता है अपने होटल्स तक जाने का, और होटल की ऑलरेडी बुकिंग की हुई थी, तो एक चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी है और वो चीज़ है कि आपने एयरपोर्ट से टैक्सी नहीं लेनी है। आपको बाहर से भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और booking.com से भी मिल जाएंगी, जिनके प्राइसेस में भी अच्छा खासा फ़र्क होता है। तो यहाँ से फिर हम वैसे ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों से ये मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से फिर हम जनाब टैक्सी लेके जो है वो एयरपोर्ट से निकले और फिर हमने जी 3 लाख रुपए की यहाँ पर सिम भी खरीदी, इनके 3 लाख रुपए की यहाँ पर हमने सिम खरीदी। आने वाले दिनों में क्या हुआ और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक फॉलो शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।